है कि बीजेपी ने 3 स्टेट में इलेक्शन आज जीत लिए हैं, जिसकी वजह से मार्केट में, इंडियन मार्केट में बूम आई हुई है। बूम में कोई संदेह नहीं है, जैसा कि पहले ही अंदेशा था, कल शाम को ही बता दिया था हमने कि मार्केट में बूम कल आनी आनी है। अब सवाल ये उठता है कि दो टाइप के इन्वेस्टर्स हो गए, एक जिनको पैसे की नीड है और एक जिनको अपने पैसे लगाने हैं। तो दो बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम उठा लेते हैं उनको जिनको की पैसे की आवश्यकता है, दूसरे नंबर पर हम उनको लेंगे कि जिनको पैसे को लगाना है, अब वो इस समय हाई मार्केट में क्या करें, क्योंकि ये भैया देखो मार्केट है और इस मार्केट में आपको पता है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ अपना लूज ही कर देती है अगर वो सही तरीके से सोच समझ करके नहीं चलती है, उनको या सही डायरेक्शन नहीं मिलता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जिनको पैसे की आवश्यकता है, ये राइट टाइम है आज के टाइम पर आपका कि आप इसको अपने प्रॉफिट को बुक करके कहीं ना कहीं सेफ इंस्ट्रूमेंट में अपना पैसा लगा दे, जहां पर आपको थोड़ा बहुत फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता रहे। टेंशन लेना छोड़ दे, जैसे आपके बच्चे की शादी है, आपको मकान लेना है, आपको बच्चे की एजुकेशन का हो गया, या आपका गोल जो भी फुलफिल हो गया है, तो आप अब मार्केट के और ऊपर जाने का इंतजार ना करें। क्यों? क्योंकि दोनों सिनेरियोज को कभी भी आप मिस नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है, ग्लोबल सिनेरियो अभी अच्छा नहीं हुआ है, ये आप ध्यान कर लें। दूसरा, सेंटर का इलेक्शन आपका वो सर पर है, जो कि मई में रिजल्ट आना ही आना है, कुछ नहीं कहा जा सकता है दोस्त, जनता जनार्दन होती है, मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि मैं इस पक्ष में नहीं हूं, गवर्नमेंट कोई भी आए जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट पर, खाली क्या चाहिए, स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, क्योंकि अधिकारी वही होते हैं, प्लानिंग वही होती है, देश वही होती है, जनता वही होती है, सरकार के आने या ना आने से कोई भी फर्क इतना ज्यादा नहीं पड़ता, बट स्टेबल गवर्नमेंट तो चाहिए ना। तो भाई मेरे, आज के टाइम पर जो बूम है उसको देखते हुए आपको जो डिसीजन लेना हो ले लें, पैसा आपका है और रिस्क आपका है। ओके, दूसरा हम आ जाते हैं कि आज हुआ क्या है। यार आज जो है ना, पावर सेक्टर आपका एंड प्रॉपर्टी सेक्टर कमाल का बूम हुआ है, ठीक है ना। पावर सेक्टर की और इसकी तेजी को देख करके लग रहा है यस यार, एक्चुअली ऐसे नहीं बोला जा रहा है, इंडिया आज की वर्ल्ड की टॉप ग्रोवेस्ट इकोनॉमी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट इंडिया है। आज देखो आप कौन कौन सा सेक्टर बूस्ट हुआ है, बैंकिंग आपका आहा, निफ्टी आपका ऑल टाइम हाई, सेंसेक्स आपका ऑल टाइम हाई, स्मॉल कैप ऑल टाइम हाई, मिड कैप इंडेक्स ऑल टाइम, एफएमजीसी ऑल टाइम, मेटल ऑल टाइम। लेकिन एक सेक्टर है जो अभी भी कराह रहा है, आहा, कौन सा है वो बताएंगे, मैं आपको बताता हूं, वो है आपका आईटी सेक्टर, बिल्कुल मामूली मात्रा से है, बट फिर भी आईटी को छोड़िएगा नहीं, टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसी टेक्नोलॉजी के बदौलत हम आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इसलिए कुछ ना कुछ आईटी में अपनी पोजीशन धीरे धीरे स्लोली स्लोली बनाते रहना। अभी आपको इस समय करना क्या है, देखो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, FII जो है ना वो जब तक बाई नहीं करेंगी, 3 दिन से खाली FII ने बाई शुरू किया, बीजेपी ने इलेक्शन जीता, मार्केट का बूम देख लो, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म का हो सकता है इलेक्शन का, लेकिन FIIH का बाई परमानेंट होता है। जब FIIH का पैसा आता है, क्यों, DIIH का डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है ना, वो तो सबको पता है यार, जो पैसा है आपका इतना बड़ा अमाउंट SIP के द्वारा या लमसम के द्वारा आ रहा है, वो आपके फंड मैनेजर को लगाना है, और जब तक आप पैसा अपना निकालोगे नहीं तब तक उसके ऊपर बेचने का दबाव नहीं है। लेकिन वो कैश अपने पास एक एडिक्वेट मात्रा में, एक एडिक्वेट भी नहीं कह सकते हैं, एक फिक्स्ड मात्रा में ही अपने पास कैश रख सकता है, उसको मार्केट में लगाना DIIH वाले की तो मजबूरी है, बट FIIH वाले की मजबूरी नहीं है। वो अपना जब देखेगा कि नहीं भैया मेरे को यहां पर प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, तो वो बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ी रुपया, बाप मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो FIIH को अभी दिख रहा है कि यस, ये निफ्टी जो है ना आज जो 21,000 के पास पहुंचने वाली है, अगले 2 साल में 28,000 पर जाएगी, ठीक है, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये उनको दिखाई दे रहा है। तो सर्कमस्टेंसेस आपके दो बन रहे हैं, उसके सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 28 जाएगा नहीं जाएगा लेकर के भाग लेगा, लेकिन आपके पास खूंटी वही है, कितनी गाड़ोगे कितनी उखाड़ोगे भैया, अमाउंट तो आपके पास लिमिटेड है ना, तो सोच समझ करके अपना पैसा लगाना है।
आज के टाइम पर आपको डूज एंड डू नॉट सबसे पहले कर देते हैं, एसआईपी से आप चलते रहो भाई, ठीक है ना। डूज में आज के टाइम पर मार्केट कितनी भी हाई जाने तो एसआईपी से, एसआईपी का कोई फर्क नहीं पड़ता, रुपीज कास्ट एवरेज हो जाती है। लमसम मत करो यार अभी, ठीक है ना। जब मौका आएगा तो आपको कॉल दे दी जाएगी कि यस ठीक है डाल दो। फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में अगर हो सके तो अपना रेशियो एज के मुताबिक जो हमने बताया हुआ है वो आप बना करके रखना, फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में भी होना चाहिए। सोने को भी एक असेट के रूप में आप ले सकते हैं, अगर ज्यादा पैसा नहीं तो प्रॉपर्टी में मत जाओ, बट फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में जरूर रखो, क्योंकि सारे अंडे को एक बास्केट में रखना उचित नहीं है। मार्केट इसीलिए लोग लालच में जब आते हैं ना, मछली कब फंसती है, जब लालच में आ जाती है, तो भैया हो मछली नहीं बनना है। उसके बाद में आईटी सेक्टर को भी इग्नोर नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा अपना चलते रहना है। और सबसे बड़ी बात जो आपकी है ना, इस समय बिल्कुल आपको पेशेंस बना करके रखना है। अगर आपको प्रॉफिट लेने का टाइम आ गया तो प्रॉफिट ले लो, और नहीं तो छोटा छोटा अमाउंट आप अपना एसआईपी के द्वारा मार्केट में पोजीशन बनाते रहो। किधर को जाएगी, कितनी जाएगी, कोई भी अनसर्टेनिटी है ये आप भी जानते हो, और आराम से अपना प्रॉफिट लेते रहो। और अभी नमक रोटी के बजाय दाल रोटी के बजाय ठीक ठाक खा सकते हो, जो मार्केट में इन्वेस्टेड है, अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करो और आनंद लो भाई, क्योंकि आज के टाइम पर मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। अगर आपको प्रॉफिट बुक करना, कुछ आपके छोटे मोटे सपने जो कि बीवी बच्चों के साथ आपने देखे हैं, उनके लिए कुछ शॉपिंग करनी है या कहीं घूमने जाना है, तो आप उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। बाकी देखते हैं अभी क्या होता है, जैसे जैसे सीक्वेंस बनता जाएगा आपको हम अपडेट करते जाएंगे।